आज आपने बाड़ू गांव में जो ये रैली निकाली है, किस उद्देश्य से निकाली है? हमारा उद्देश्य ये है कि जो तीन कड़े कानून है बिजली बिल 2020, इस संदर्भ में किसान संघ मोर्चा का जो हमारे पास आह्वान आया है उसकी कड़ी के रूप में हम प्रत्येक गांव में जा रहे हैं। और कल हम राप्रिय पट्टी में आए थे, आज हम बिडाड पट्टी में आएंगे। इसी तरह हमारा सिलसिला हर रोज ये जारी है। जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होते, बिजली बिल 2020 रद्द नहीं होता, हमारा एक कार्यक्रम आज भी चलता रहेगा। ये संघर्ष आपका किन किन संगठनों से? हमारे ये संगठन लगभग हमारे राष्ट्रीय स्तर पर 500 संगठन इकट्ठे हो रहे हैं, जिसमें किसान सभा सबसे बड़ा संगठन है। किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा इन्होंने बुला रखे, 40 मेंबरी कमेटी बन रही है, उसके तत्वाधान में ये चला हुआ है। ये संघर्ष आपका कब तक जारी रहेगा? जब तक ये तीनों काले कानून MSP पर कोई फैसला नहीं होता, बिजली बिल 2020 नहीं होता, हमारे संघर्ष लगातार निरंतर चलता रहेगा। और लेनी है कि बोलो। मैं मास्टर जयप्रकाश हूँ, रिटायर कर्मचारी हूँ और किसानों में अब काम करता हूँ। हाँ जी, आज आप भारी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, किस उद्देश्य से इकट्ठे हुए हैं? हम ये जो मोदी सरकार देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, हम जन जागरण के लिए गांव दर गांव जा रहे हैं ताकि कोई भी आदमी मोदी सरकार की चालों में ना आए। ये देश को बेचन लाग रहा है और देश को फिर से गुलाम करने की इसकी साजिश है, वो हम सफल नहीं होने देंगे। तीन महीने से संघर्ष जारी है, 200-250 शहीद हो चुके हैं, आगे आपकी क्या रणनीति है? ये 3 महीने हो गए चाहे ये 6 महीने हो, जब तक ये खेती के काले कानून रद्द नहीं होते और MSP की गारंटी का कानून नहीं बनता, बिजली का बिल उल्टा नहीं होता और हमारे बच्चों के लिए रोजगार की, पढ़ाई की, सेहत की व्यवस्था नहीं बनती, युवा आंदोलन लगातार चल रहा है। लेडीज की नाम पूछो। आज बाड़ू गांव में जो ये रैली निकाल रही है, किसानों के साथ साथ महिलाओं का भी काफी सहयोग है, इसके बारे में आप क्या? बाड़ू गांव में महिलाएं, किसान, मजदूर, बच्चे, बुजुर्ग सभी मिलजुल कर ये हर गली में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मोदी सरकार को बता रहे हैं कि हर गांव के जनता, हर कोने की जनता वो जाग चुकी, और जो तीन काले कानून, कृषि विरोधी काले कानून है, वो वापिस उन्होंने लेने पड़ेंगे। और खासकर मजदूरों की बात करूंगी, वो जो लोग हमारे को बांट रहे हैं, मजदूर साथ में नहीं है, फलाना साथ में नहीं है, 36 बिरादरी का भाईचारा इकट्ठा हो चुका और मोदी को मुंह तोड़ जवाब देंगे, और तीन जो काले कानून लेके आई है सरकार उनको वापस करा के